हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आज लेकर आ गई हूँ एक फिर से रिव्यू वीडियो लेकर। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ हमारा सबका बचपन का प्यार को। तो जब मैं छोटी थी, मुझे ऑयल पेस्टल इतना अच्छा लगता था कि मैं बता ही नहीं सकती मुझे क्या सबका लगता था। और आज मैं कैमल का ऑयल पेस्टल रिव्यू करने वाली हूँ। और कैमल का ऑयल पेस्टल मैं बहुत पहले यूज़ करी थी, बहुत पहले, मैं जब छोटी थी। और मुझे याद भी नहीं है कैसा होता है। और मैं शॉप पर गई थी डॉम्स का लेने, तो डॉम्स का नहीं था इसलिए मैं कैमल का उठा ले आई। मुझे डॉम्स का ऑयल पेस्टल ही सबसे बेस्ट लगता है, फिर भी मुझे कैमल का ऑयल पेस्टल अच्छा लग भी सकता है इसलिए मैं ले आई। तो इसे ट्राई करके देखती हूँ ये कैसा वर्क करता है। पहले हम ड्राइंग नहीं करेंगे, इस पेज पे ही थोड़ा देखेंगे। कलर तो अच्छा है लेकिन जब मैं पेज पर कलर्स घिस रही थी तब बहुत डस्ट हो जा रहा था और दोनों कलर ब्लेंड करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जो डॉम्स का ऑयल पेस्टल में नहीं होता है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि ये कलर बहुत अच्छा ब्लेंड होता है लेकिन दोनों कलर एक साथ अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि मुझसे ये अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो पहले डॉम्स का यूज़ करेगा उसके बाद कैमल का यूज़ करेगा तो उसे कैमल का ऑयल पेस्टल अच्छा नहीं लगेगा। इसमें 12 कलर होता है और इसका प्राइस जो है 50। प्राइस के सब में ठीक ही है। और इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरा डॉम्स का ऑयल पेस्टल का ब्लैक कलर, ग्रीन कलर एकदम ही ख़त्म हो गया, इसलिए मैं छोटा वाला ले आई। इसके साथ में जो स्क्रैपिंग टूल दिया है उससे कैसे कैसे शेप दे सकते हैं वो देखो। इसमें शेप दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं दूसरे पेपर पे पहले लाइट कलर उसके बाद डार्क कलर देकर दिखा रही हूँ। इस टूल से आप लोग बहुत तरीके से शेप देख सकते हो। ये तो हो गया, अब हम ड्राइंग करके देखेंगे। तो इसलिए मैं स्टील लाइफ ड्राइंग कर रही हूँ एक। इसमें बहुत डस्ट होता है सच में, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ये कलर अच्छे से ब्लेंड भी नहीं हो रही थी। ये कलर ब्लेंड करने में फर्स्ट लेयर बहुत अच्छे से होती है लेकिन सेकेंड या थर्ड लेयर एकदम ही अच्छे से नहीं होती है। इसका लॉन्ग वीडियो भी आने वाला है तो आप लोग ज़रूर देखना। और बोलने में कहीं पर गलती हो गया है तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हिंदी इतने अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।